नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज आपको बताने वाला हूँ ब्रिज एज के बारे में, कैसे आप एजिस को ब्रिज कर सकते हो इन एडिट पॉली। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास एक प्लेन है, मैंने यहाँ से एक प्लेन लिया, ग्रिड ऑफ किया और प्लेन के सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे थोड़े से इंक्रीज किए, कुछ इस तरीके से टॉप पे गया। ये मेरा यहाँ पे एक प्लेन है और थोड़ा सा मैंने इसको को इंक्रीज किया कुछ ऐसे। उसके बाद मैंने इसको राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। पॉली करने के बाद मैं इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके लूप करता हूँ और इसको स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करने के बाद मैं सेगमेंट की हेल्प से इस पोर्शन को अलग से यहाँ पे रख सकता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके की शेप है। पहले बात तो मैं ब्रिज आपको बता देता हूँ, ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है। मान लो दो सेगमेंट्स को सिलेक्ट किया मैंने, दो मैंने एक एज को यहाँ से सिलेक्ट किया, एक एज को यहाँ से सिलेक्ट किया। इनको आपको ब्रिज करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं ब्रिज की सेटिंग्स में और देखो यहाँ पे क्या होगा, वो इसको ब्रिज कर देगा, इन दोनों को आपस में यहाँ पे मिला देगा। आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो कि मेरे को नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए, उतने नंबर ऑफ सेगमेंट डाल सकते हो। और मैन्युअली भी यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके कि यूज एज सिलेक्शन, अगर आप यूज एज सिलेक्शन अगर आप देखो यहाँ पे होते हुए बाहर क्लिक कर दोगे तो एजिस के सिलेक्शन हट जाएंगे, आपको दोबारा से सिलेक्शन लेने होंगे। आप इस पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे तो एजिस के सिलेक्शन आ जाएंगे। अगर आप इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, वरना आपको मैनुअली ही यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, जिसको सिलेक्ट करोगे वो आपस में ब्रिज होते हुए चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स मिडल में कितने रखने हैं वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप यहाँ से चूज करते हो यूज स्पेसिफिक एज इज, तो आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पिक एज वन एंड पिक एज टू। पिक एज वन पे क्लिक करें, आपने मान लो ये आपने सेलेक्ट की एज वन, एंड पिक एज टू पे क्लिक करें और आप इस पे क्लिक करें तो ये होगी एज टू। तो आप पिक वन और पिक टू एजिस को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो उस चीज को ब्रिज कर पाए कुछ इस तरीके से। क्लियर है? आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब अगर आप ब्रिज पे क्लिक करेंगे तो वो देखो कुछ इस तरीके से ब्रिज करेगा, बट अगर आपके दूर ऑप्शन होंगे तो वो उस चीज को ब्रिज नहीं करेगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है आपने? बट अगर आप सिलेक्ट करते पास वाले ऑप्शन तो वो उस चीज को एक साथ ब्रिज कर देता। क्लियर है? अब बात आती है कि ब्रिज एडजेसेंट क्या होता है एंड रिवर्स ट्रायंगुलेशन क्या होता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पे मान लो इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ। मान लो मैंने ये वर्टेक्स यहाँ से सिलेक्ट किए, थोड़े मैंने इसको नीचे किया, थोड़े मैंने इधर किया। क्लियर है? और यहाँ से मैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने थोड़ा ऊपर किया और थोड़ा मैंने इधर किया। कैसे भी मेरे कुछ इस तरीके के वर्टेक्स हैं। अब इन वर्टेक्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने एजी सेलेक्ट की, कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये वाली एजी सेलेक्ट की और कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये वाली भी एजी सेलेक्ट कर ली। जितनी ऊपर एजिस थी उतनी ही मैंने नीचे की, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। इसको मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली एजिस है, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ, अल्ट प्रेस के साथ ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं अगर इसको ब्रिज करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं आप ब्रिज करता हूँ देखो कुछ इस तरीके से ब्रिज होगा। नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने यहाँ पे 2 रखे। अब जितने भी आपके एजिस थे वो एडजेसेंट है अपने उसी एजिस से रिलेटेड। अगर मैं एडजेसेंट की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता हूँ तो ध्यान से देखो वो एडजेसेंट होना बंद हो जाएगा, वो एक पॉइंट पे इस तरीके से आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप और इंक्रीज करते हो जैसे ऐसे फिर एडजेसेंट होगा। जैसे जैसे प्रॉपर्टी इंक्रीज डिक्रीज करोगे जो आपकी एडजस्टमेंट है वो आपकी यहाँ से हट जाएंगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अभी देखो अगर आपने ये किया इस पॉइंट पे आके तीन एजेस मिल रही हैं, अगर आप रिवर्स कर देते हो ट्रायंगुलेशन को तो वो उधर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये होता है रिवर्स ट्रायंगुलेशन का यूज। और अगर आपने सेगमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे सेगमेंट देते हैं और क्या नाम है, अगर आपकी राउंडेड शेप है,
स्मूथनेस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्मूथनेस भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कि कितनी आपको यहाँ पे स्मूथनेस चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था नंबर ऑफ सेगमेंट, आपको मिडल में कितने चाहिए, ब्रिज एडजेसेंट में आप इसके सेगमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ट्रायंगुलेशन, और अपनी एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली, और यहाँ से पिक एज वन और पिक एज टू करके भी आप अपने एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो एजेस आपकी ब्रिज हो जाएंगी। तो ये था कैसे आप एक ब्रिज का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कनेक्ट चैम्फर और एक्सट्रूड के बारे में। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.